हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से आरके एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज आपको मैं ले चल रहा हूँ पास्ट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में। चलिए देखते हैं। मेरे आने से पहले प्रदीप खाना नहीं खाया था। दोस्तों, मेरे आने से पहले प्रदीप खाना नहीं खाया था, तो ये वाला क्लास सबसे पहले बनेगा और यही क्लास बनेगा हमारा पास्ट के परफेक्ट टेंस में। हो जाएगा प्रदीप हैड नॉट ईटन फूड। बिफोर, मेरे आने से पहले आई केम। ठीक है दोस्तों, अब एक बाद वाला देखते हैं। उसके जाने के बाद राम चाय नहीं पिया था। उसके जाने के बाद राम चाय नहीं पिया था। अब देखिए, वो चला गया, उसके बाद राम चाय नहीं पिया था। इट मींस ये बनेगा पास्ट के इंडेफिनिट टेंस में। तो हो जाएगा यहां राम और डिड नॉट आ जाएगा। यहां पर डिड नॉट टेक टी, बाद है तो आफ्टर हो जाएगा यहां पर कंजंक्शन। उसके जाने के बाद ही, यानी पहले चला गया ये, तो ही हैड गॉन। ठीक है दोस्तों, ना कंफर्म हो रहा है आपको, क्लियर हो रहा है आपको? चलिए आगे चलते हैं, एक सेंटेंस और देख ले इसमें। मेरे कहने से पूर्व प्रदीप कुछ नहीं किया था। मेरे कहने से पूर्व प्रदीप कुछ नहीं किया था। अब देखिए, यहां पर कुछ नहीं किया था, प्रदीप कुछ नहीं किया था, तो ये बनेगा कैसे? कुछ नहीं की बनी बनाई अंग्रेजी होती है ना, नथिंग। तो इसको बनाएंगे ऐसे, प्रदीप हैड डन, क्या डन किया था? नथिंग। बिफोर, मेरे कहने से पूर्व आई सेड। ठीक है दोस्तों, आशा करो आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो समझ में आ रहा है, तो जो चैनल, जिस लोगों ने अब तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन क्या होता है ये समझने के लिए आपको मेरे पुराने वीडियोस को देखना पड़ेगा, जो टेंस पे आधारित है। इसको हम एस नो टाइप वाला भी कहते हैं। जैसे देखिए, क्या वर्षा होने से पूर्व राम घर पहुंच गया था? क्या वर्षा होने से पूर्व राम घर पहुंच चुका था?
दोस्तों जो क्या शब्द आया है ना वो तो पूरे क्लास के लिए आया हुआ है, लेकिन स्पेशली जो आया है वो आया है प्रिंसिपल क्लास के लिए। क्या राम घर पहुंच गया था, इसको हम बनाएंगे ऐसे, क्या राम घर पहुंच गया था, तो क्या आया है आप जानते हैं ना, जब भी वाक्य क्या से आरंभ होता है तो हम उसकी अंग्रेजी लिखते नहीं है, तो क्या हट जाएगा, हैड आएगा, हैड राम रीच्ड, कहाँ रीच्ड किया है, होम, पूर्व है तो बिफोर हो जाएगा, बिफोर वर्षा होने से पहले, इट रेंड क्वेश्चन मार्क। ठीक है दोस्तों, और देखते हैं एक, क्या उसके जाने के बाद राम स्कूल नहीं गया था, क्या उसके जाने के बाद राम स्कूल नहीं गया था, तो क्या है ना हटा देंगे हम, यानी क्या करें जी नहीं लिखी जाएगी, लेकिन ये जो है ना राम स्कूल नहीं गया था ये बनेगा पास्ट के इंडेफिनिट टेंस में, क्या राम स्कूल नहीं गया था, तो ये काम बाद में हुआ है तो उसके लिखेंगे डिड राम नॉट गो टू स्कूल आफ्टर, उसके जाने के बाद ही हैड गॉन। ठीक है दोस्तों, आप वीडियो समझ में आ रहा होगा तो आप उसको नोट कर लें, जब मैं पढ़ा रहा हूं तो अच्छा ये रहेगा आपके लिए, आप सभी के लिए, कि आप एक नोटबुक लेकर बैठे और साथ साथ मेरे आप नोट भी बनाते रहें, ताकि आपके एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होगा। तो जितना मैं कह रहा हूं आप उतना करिए, मिटा दे रहा हूं उसको। अब देखते हैं इनडायरेक्ट क्वेश्चन, जिसे हम डिटेल वाला भी कहते हैं, इसको देखते हैं। उसके कहने से पूर्व तुम अपना काम क्यों नहीं किए थे, उसके कहने से पूर्व तुम अपना काम क्यों नहीं किए थे, तब देखिए ये है ना, तुम अपना काम क्यों नहीं किए थे, इस क्लास को अगर देखें प्रिंसिपल क्लास ये है, और ये काम पहले भी है, और यहां पर क्यों सब बीच में आया हुआ है, हम क्या करें सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड वाई। ठीक है, हैड सब्जेक्ट है यू, उसके बाद नॉट किए थे डन, अपना काम योर वर्क, उसके कहने से पूर्व बिफोर ही सेड क्वेश्चन मार्क। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा हो आपको, अगला देखते हैं। राम के पापा राम के जाने के बाद वह राम के जाने के बाद वह क्या खरीदा था, राम के जाने के बाद वह क्या खरीदा था, अब देखिए यहां पे वह क्या खरीदा था है ना, लेकिन बाहर शब्द आ गया है तो हो जाएगा वह क्या खरीदा था, ये बनेगा पास्ट के इंडेफिनिट टेंस में, हो जाएगा व्हाट डिड ही बाय। ठीक है,
आफ्टर राम के जाने के बाद, राम हैड गॉन। ठीक है दोस्तों, कुछ स्पेशल वाक्य देखते हैं जो इंटरोगेटिव सेंटेंस के ही होते हैं, उसको भी देख लेते हैं। मेरे जाने से पहले तुम्हारे घर कौन कौन आया था। मेरे जाने से पहले तुम्हारे घर कौन कौन आया था दोस्तों, तुम्हारे घर कौन कौन आया था, तो कौन कौन आया था ना, हम क्या लिखेंगे यहां पर, हु। ठीक है ना, और कौन कौन के साथ, वैसे तो कौन कौन एनर्जी चाहे कौन एनर्जी हुई होती है, लेकिन अगर दो बार कौन कौन आता है तो आप यहाँ पे ऑल लगा देंगे तो और क्लियर हो जाएगा, हु ऑल हैड कम। तुम्हारे घर एट योर हाउस, मेरे जाने के बाद, बिफोर आई, ठीक है, वेंट। Who all had come at your house before I went? ठीक है दोस्तों, एक और वाक्य देखते हैं। पिताजी के कहने के बाद रमेश बाजार से कौन सी पुस्तक खरीदा था। पिताजी के कहने से, कहने के बाद रमेश बाजार से कौन सी पुस्तक खरीदा था। पिताजी पहले कहे थे, उसके बाद रमेश बाजार से कौन सी पुस्तक खरीदा था, ये बनेगा पास्ट के इंडेफिनिट टेंस में, हो जाएगा रमेश बाजार से कौन सी पुस्तक खरीदा था, तो कौन सी पुस्तक हो जाएगा, विच बुक, विच बुक डिड प्रदीप बाय फ्रॉम दी मार्केट आफ्टर, पिताजी कहने के बाद, फादर हैड सेड, विच बुक डिड प्रदीप बाय फ्रॉम दी मार्केट आफ्टर फादर हैड सेड। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस जो आज एंड होता है। दोस्तों आशा करूं आपको समझ में आ रहा है हमारा वीडियो, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, अब मिलेंगे अगले वीडियो में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ।